हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंदीप बारा ऑफिशियल। सभी को नमस्कार, छोटा को मेरा प्यार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही कुशल मंगल होंगे। एंड पिक्स देख के आप समझ गए होंगे कि कहाँ का प्लान है। तो अभी हम अपने होटल से चेकआउट के लिए प्लान कर रहे हैं। ये हमारा होटल, ये मेरी फैमिली, ये हमारे होटल की पिक। और अभी हम होटल से चेकआउट करने के लिए अपनी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। ये मेरी फैमिली, ये मेरी मॉम एंड ये मेरी नीस है। इसका भी चैनल है शगुन कौर व्लॉग्स के नाम पर, एक बारी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने काला डोरिया सॉन्ग सुना होगा, उसमें इसने भाभी और देवर का भाभी का रोल निभाया था एक छोटे बच्चे के साथ, जो कि देवर बना था। काफ़ी अच्छी वीडियो थी, एक बार ये आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो गाइस, अब हम आपको ले चलते हैं। ये गुचूपानी मेन एंट्री गेट है। तो बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग सुबह 7 से 6 बजे का टाइमिंग है। सुबह 7 से 6 बजे तक टाइमिंग होता है। 2 से 3 घंटे तक आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। ये मेरी नीस है, ये भी व्लॉग कर रही है साथ साथ। कहती है मामू मैं भी आपके साथ हेल्प करूँगी। मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन। सो टिकट की बात करें तो गाइस, वैसे तो यहाँ पर फ्री होनी चाहिए, बट 2500 रुपये की कॉस्ट है पर पर्सन। ठीक है, 2500 रुपये। और मैं आपको गाइस प्रेफर करूँगा कि आप ज़्यादा छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं उसको साथ में मत लेके आएँ, क्योंकि अगर आप उनको साथ में लेके आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्योंकि पानी ज़्यादा होता है, आपको बच्चों को उठाना पड़ेगा, काफ़ी आपके लिए दिक्कत होगी। और यहाँ पर आप सर्दियों में ना आए, बारिशों में ना आए। ठीक है, काफ़ी ठंड का टाइम होता है, बारिश में काफ़ी पानी भी काफ़ी भर जाता है यहाँ पर। एंड मई जून जुलाई अगस्त का जो टाइम है, 4 महीने में आप यहाँ पर आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए काफ़ी अच्छा वाटर लेवल है, नी तक पानी आया हुआ है। तो मेरी फैमिली का एंजॉय कर रहे हैं सारे, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। आप जब भी यहाँ पर आए तो साथ में स्लीपर लेते हैं, स्लीपर के बिना आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पत्थर वगैरह भी होते हैं, कंकर भी होते हैं। तो स्लीपर साथ में लेके आए तभी आप एंजॉय कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है, 600 मीटर लंबा ये गुफा है। ठीक है, डिस्टेंस और 10 मीटर का झरना है यहाँ पर, लोग फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखो सबके पैर कहाँ कहाँ तक नीचे तक आए हुए हैं, पानी कितना भरा हुआ है। एंड एवरीवन, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर गुचूपानी देहरादून, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में है, यहाँ पर आप प्लेन से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। देहरादून बस स्टैंड आपका काफ़ी नियर है मसूरी रोड से एंड देहरादून जू से। रोवर केव के लिए 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है देहरादून बस स्टेशन से। एंड अगर बात करें रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन भी 8 किलोमीटर की दूरी पे है, काफ़ी क्लोज है एंड आप इजली आ सकते हैं। एंड अगर आप प्लेन से कर रहे हैं प्लान, तो जूली ग्रांट एयरपोर्ट, दोबारा रिपीट करूंगा, जूली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि 33 किलोमीटर की दूरी पे है, काफ़ी एयर कनेक्टिविटी काफ़ी पास है, तो आप आराम से इजली आ सकते हैं यहाँ पर। तो आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर खाने पीने की भी आपको सुविधा मिल जाती है, लॉकर्स वगैरह मिल जाते हैं रॉबर्ट्स केव में। ठीक है, और खाने पीने कपल्स वगैरह आप आके इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं। रेस्टोरेंट की बात करें तो आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, डोमिनोज पिज़्ज़ा मिल जाएगा आपको, पंजाब ग्रिल मिल जाएगा, मालाबार, बारबेक्यू नेशंस। ठीक है, इस तरह के मतलब रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी, ग्रिल, तो ये आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी टेम्पल्स वगैरह भी हैं, आप यहाँ पर भी आके मतलब और भी काफ़ी घूमने फिरने की जगह है। फर्स्ट टाइम के लिए ठीक है, बट सेकेंड टाइम के लिए मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, इतना कुछ नहीं है, बट एक गुफा है आपको बताना चाहूँगा। ये गुचूपानी बेसिकली गुचूपानी को रॉबर्ट्स केव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि
जो डकैत होते थे वो रॉबरी करने के बाद यहाँ पर छुपा करते थे, अंग्रेजों से बचने के लिए यहाँ पर छुप जाया करते थे। उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह होती थी ये, ठीक है, और काफ़ी सेफ जगह होती थी, यहाँ पर आके वो छुपा करते थे और जिससे कि वो अंग्रेजों से पकड़े ना जा सकें। तो ये देखिए आप जो सीनरी है कितनी प्यारी है, ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्रॉपर नेचुरल है, चूना पत्थर से बना हुआ है, काफ़ी अट्रैक्शन आता है, रियली वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा है ये, आप देख सकते हैं सारे अपनी अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, देखिए काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, सो ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप किसी भी जगह पे जाएं तो काफ़ी अट्रैक्शन आता है, बट एक दो बार ही आप यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। कभी आप मसूरी में गए हैं, मसूरी से आते हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप यहाँ पर आ सकते हैं अपनी फैमिली को लेके। पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता बना हुआ है जहाँ पर पूरा ओवरलोड वाटर होता है, देखिए नी तक पानी आ जाता है, बिना स्लीपर के लिए तो आप बिना इंजॉय कर ही नहीं सकते यहाँ पर। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, सब मूवीज़ बना रहे हैं, ये देखिए काफ़ी सारे बच्चे हैं अपनी फैमिली के साथ, काफ़ी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो जो कि ये रॉबर्स केव के नाम से जाना जाता है, रॉबरी करके डकैत यहाँ पर छुपा करते थे और जिससे कि पकड़े ना जा सके, जिससे कि इसका गुच्चू पानी का नाम रॉबर्ट्स केव के नाम से काफ़ी फेमस हो गया है। तो आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, 7 to 6 टाइमिंग है, 2 से 3 घंटे आप इंजॉय कर सकते हैं प्रॉपर। आगे लास्ट में रास्ता बंद होता है जहाँ पर झरना होता है 10 मीटर का, और वहीं से ये यहाँ पर झरना है, अपनी फैमिली के साथ सारे इंजॉय कर सकते हैं, यहीं से वापस एग्ज़िट लेंगे और काफ़ी अच्छा एटमोसफियर है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, 1 टाइम के लिए ठीक है, 2nd टाइम भी आप आ सकते हैं, बट अगर आप सोचे तो डायरेक्ट यहीं पे ही आना है तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, और भी अच्छी अच्छी जगह है, ठीक है, आप वहां जा सकते हैं। बाकी इतना भी कुछ नहीं है यहां पर, ठीक है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, ये देखिए सारे इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा माहौल है, देखिए सो बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ प्लेन से भी आ सकते हैं, प्लेन से काफ़ी आपका इजीली आप आ सकते हैं रिलैक्स फील होके, ठीक है, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। सो मेरे चैनल को एक बार ही आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन आ सकें नई नई वीडियोस के। ये सारे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम आप कहीं भी चले जाएं बहुत अच्छा लगता है, बट दोबारा उस जगह पे आप जा रहे हैं तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको, बट ठीक है 1 टाइम के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे चैनल को एक बार ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नहीं भी लगी हो तब भी बता दीजिएगा, अगर अच्छी लगी होगा तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा, आपका प्यार है जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। तो जब भी आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप वीडियो देखें तो बिना स्क्रोल किए आप वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो काफ़ी अच्छा है माहौल यहाँ का, काफ़ी अच्छी ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, काफ़ी अच्छा है। ये सारे अब वापस आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, देखिए ये पहाड़ों के बीच का रास्ता, सारे अपनी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, छोटे बच्चों को इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि पानी नी तक होता है, बच्चे डूब सकते हैं, यहाँ पर इंजॉय प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, थैंक यू एवरीवन।